आज मैं बात करूंगी तीन ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की जो साल के 12 महीने फूल देते हैं। एक बार लगा लो तो गार्डन से जाते नहीं हैं, खुद ब खुद मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। सीड इनके आसपास मिट्टी में गिर जाते हैं जिससे नए प्लांट बन जाते हैं। इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। छोटे पॉट में लगाने से भी इनकी फ्लावरिंग कम नहीं होती। सन लविंग प्लांट्स है, फिर भी 4-5 घंटे की धूप में भी आसानी से फ्लावरिंग करते रहते हैं। 2-3 दिन तक बिना पानी के भी रह जाते हैं यदि शेड में रख दें। कैसी भी मिट्टी हो सब में अच्छी तरह चल जाते हैं, लेकिन यदि वेल ड्रेन्ड हो तो बहुत ही बढ़िया चलते हैं। इनमें सबसे पहला नाम यानी पहला नंबर मैं दूंगी मैक्सिकन पिटूनिया को। इसमें कई कलर आते हैं, मेरे पास ये पर्पल कलर है, वाइट कलर और पिंक कलर में भी मैक्सिकन पिटूनिया आते हैं। ये 2 फीट तक लंबाई में चले जाते हैं। दूसरा नंबर मैं दूंगी टिकोमा को, मेरे पास रेड ऑरेंज है, इसमें और भी कई कलर आते हैं। तीसरा नंबर मैं दूंगी ये सफ़ेद सदाबहार को। ये 3 अलग अलग कलर के प्लांट्स हैं जिससे आपका गार्डन हमेशा कलरफुल बना रहेगा। मैक्सिकन पिटूनिया बहुत ही हार्डी प्लांट है। मैंने आज तक इस पर कभी भी किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं देखा, कभी फंगल इन्फेक्शन से इसको ख़राब होते नहीं देखा। तो ये मैंने 14 अगस्त को टिप कटिंग से प्लांट 4 ग्रो किए थे, चारों ही बहुत अच्छे से चल रहे और मात्र 20 दिनों के बाद ही इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। तो टिप की कटिंग से फ्लावरिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और मानसून में लगाई हुई कटिंग तो कभी भी फेल नहीं होती। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर जाकर आप कटिंग वाली वीडियो देख सकते हो। ये पूरा साल फ्लावरिंग करते रहते हैं, लेकिन एक फ्लावरिंग और दूसरी फ्लावरिंग के बीच में इनका रेस्ट पीरियड होता है। इस रेस्ट पीरियड में यदि हम कोई कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र ऐसी डाल दें जो कि फॉस्फोरस और पोटाशियम रिच हो तो ये इनकी फ्लावरिंग और भी बढ़िया हो जाती है। सर्दियों में भी ये फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब भी करते हैं, लेकिन फ्लावरिंग थोड़ी इनकी कम हो जाती है, लेकिन फ्लावरिंग करते रहते हैं। अब ये जो प्लांट है ये इनका मदर प्लांट है, इसकी मैंने टिप कटिंग से ही ये 4 प्लांट्स तैयार किए हैं। तो ये भी 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और वो भी मैंने 6 इंच के पॉट में ही लगाए हुए हैं। तो छोटे से पॉट में भी ये बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो इनकी नीचे से भी शूट्स निकलती रहती हैं और ऊपर भी ये जब टिप की कटिंग काट देते हैं तो इनमें से 2 स्टेम निकल आते हैं। इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बिगनर्स के लिए प्लांट बहुत ही अच्छा है और जिनके पास टाइम नहीं है प्लांट्स की केयर करने के लिए तो उनके लिए भी ये प्लांट्स बहुत अच्छे, इनको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। इनके फूलों की लाइफ 1 दिन की ही होती है, शाम को अपने आप ही ये फूल गिर जाते हैं। तो इनको हटाना भी नहीं पड़ता है, यानी इनको कट नहीं करना पड़ता फूलों को। तो ये भी एक इनकी बहुत बड़ी खासियत है कि हमें इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। इसके वाइट और पिंक कलर भी बहुत प्यारे होते हैं, तो इसमें इतनी सारी खूबियां हैं। तो इसको आज ही आपको ये प्लांट लगाना ही चाहिए। आसपास नज़र दौड़ाएं, कहीं ना कहीं आपको ये प्लांट दिख जाएगा। कटिंग ले आएं, अगर नहीं तो आप नर्सरी में जाकर इस प्लांट को ख़रीद लाएं। बहुत कम रेट में 30 से 50 रुपये तक में ये प्लांट मिल जाता है। सदाबहार प्लांट्स में टिकोमा भी बहुत फेमस है। इसमें 3 टाइप के ये प्लांट्स आते हैं, एक श्रब होता है और एक बहुत लंबा चला जाता है 25 फीट तक, और एक इसमें वाइन भी आती है। तो ये सभी जो इसके टाइप हैं सब में ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं। जो वाइन है उसमें बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, जबकि जो ये श्रब है मेरे पास इसमें फ्लावर थोड़े से छोटे आते हैं, लेकिन पूरे बंचेस में फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर दिखता है प्लांट जब इसमें बंचेस में फ्लावर आते हैं। निकलते ही रहते हैं फ्लावर, लगातार ये फ्लावरिंग जब करता है तो आप गार्डन में हमेशा ही फ्लावर बने ही रहते हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट है, तो इसका हार्डी प्लांट का एग्जांपल ये सामने जो आप प्लांट देख रहे हो यही है, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले 4 महीने पहले ये बिल्कुल ख़राब हो गया था प्लांट, इस पर कुछ गिर गया था तो इसकी सारी जो टहनियाँ सब ख़त्म हो गई थी, सिर्फ एक हल्की सी टहनी छोटी सी बची थी। तो 4 महीने के अंदर अंदर ये देखो प्लांट फिर से खड़ा हो गया, इसमें नई नई स्टेम्स निकल आई हैं और यहाँ तक कि मैंने इसकी टिप कटिंग से और प्लांट्स भी तैयार कर लिए हैं।
इसमें क्या खाद दे क्या फर्टिलाइज़र, तो मैं वही बात करूँगी जो मैंने पिटूनिया के लिए की थी कि इसमें जो आप फॉस्फोरस और पोटाशियम रिच कोई ना कोई फर्टिलाइज़र 3 महीने के पीरियड के बाद देते रहें जिससे कि इसमें फ्लावरिंग होती रहे। तो जो मैंने टिप की कटिंग लेकर ये प्लांट्स तैयार किए थे वो ये हैं। ये 2 प्लांट्स मैंने तैयार किए, दोनों में देखो बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो ये भी मैंने अपने परमानेंट प्लांट की कटिंग में ये दिखाए थे। तो अब उसके बाद ये देखिए इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, इसकी भी केयर बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ती है। तो अपने आप इसके फ्लावर भी गिरते रहते हैं, ऐसे ही इसमें सीड पॉड भी बनते हैं जो कि आसपास गिर जाते हैं और नए प्लांट्स सीड से भी बनते रहते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही बढ़िया है, इसे भी परमानेंट प्लांट्स की लिस्ट में ऐड करना चाहिए और अपने गार्डन में भी इसको ऐड करना चाहिए। जहाँ जगह की कमी है तो छोटे से पॉट में भी ये देखो फ्लावरिंग कर रहा है। अगर बड़े पॉट में लगा दो तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो छोटे बड़े सभी में ये फ्लावरिंग करता ही है। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये, बहुत सुंदर प्लांट लगता है जब इस पर फ्लावरिंग होती है। अगर धूप की बात करें तो 4-5 घंटे की धूप भी इसके लिए सफिशेंट है, इसमें भी ये फ्लावरिंग कर लेता है। वैसे ये सन लविंग प्लांट है लेकिन बहुत तेज़ धूप जो गर्मियों की होती है उसमें इसको ना ही रखें तो अच्छा है, प्लांट थोड़ा ख़राब हो जाता है उसमें और फ्लावर्स का कलर भी फेड हो जाता है। तो इसको बस 4-5 घंटे की धूप ही में रखें तो अच्छे से ये चलता है। ये डेजर्ट का प्लांट है तो कम पानी में भी चल जाता है, अगर 2-4 दिन तक इसको पानी ना मिले तो भी ये ख़राब नहीं होता। तीसरे नंबर पर ये वाइट कलर का प्लांट है जिसका नाम ही सदाबहार है, यानी हमेशा इस पर बहार बनी रहती है। तो इसमें ये देसी वैरायटी है, इसमें 2 आते हैं कलर, एक तो ये वाइट कलर और एक जो पर्पल। तो दोनों ही बड़े हार्डी प्लांट है लेकिन जो ये वाइट कलर है इसको थोड़ी धूप कम पसंद है, इसको बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें, सिर्फ इसको 3-4 घंटे की धूप सुबह की मिले या शाम की मिले तब ये अच्छे से प्लांट रहता है, नहीं तो इसके जो पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं, थोड़े से लैगी से हो जाते हैं अगर तेज़ धूप में इसको रख दे, और फ्लावर भी इसमें कम आने लगते हैं। तो इसको कम धूप में यानी सुबह की या शाम की 3-4 घंटे की धूप इसके लिए सफिशेंट है। यह भी कटिंग से बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, ये मैंने कटिंग लगाई हुई है तो इसमें भी देखो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। टिप की कटिंग का यही फ़ायदा है कि फ्लावरिंग बहुत जल्दी आने लगती है। ये पॉट इस जो लगा हुआ है इसमें भी मैंने ये प्लांट कटिंग से ही ग्रो किया है, तो इसके सीड से भी अपने आप पॉट में गिर जाते हैं इसके सीड्स और प्लांट नए तैयार होते रहते हैं। इनके जो स्टेम पर आप देखोगे तो सीड पॉड दिखाई देंगे, ये 1-1 इंच के छोटे छोटे इनमें फलियां सी बनती हैं। अगर इनको ना देखा जाए तो ये अपने आप ही खुल जाती है, उसमें से ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं चमकदार जो मिट्टी में गिर जाते हैं और नए प्लांट बन जाते हैं। लेकिन जो सीड्स से प्लांट बनता है वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है और उसमें फ्लावरिंग आने में भी टाइम लगता है, और कटिंग से जो हम लगाते हैं प्लांट तो उसमें जल्दी फ्लावरिंग होती है और जल्दी ही वो बुशी भी बन जाता है अगर उसकी भी टिप की कटिंग करते रहें। तो इस प्रकार ये प्लांट बुशी बन जाता है और बहुत फ्लावरिंग भी देखो इसमें गुच्छे में आ रही है, यानी एक ही टिप पे 4-4, 5-5 फूल आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। यदि और ऐसी जानकारी चाहते हैं जो प्लांट्स परमानेंट भी हो और 12-मासी फ्लावरिंग भी करते हो तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।